पटाखों का अगर शौक होता तो हम भी एक से एक बना लेते सिर्फ डाटा 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 करते, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आपने देखा होगा लास्ट हमारा डाइनो व्लॉग, वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फाइनल हो गई है। अभी हमारी तैयारी है कि आज हमने टाइम निकाला है और ओमनी से टाइम लिए, हम जा रहे हैं गाड़ी टेस्ट करने। एक तो डाइनो के बाद गाड़ी क्या परफॉर्म करती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्लच। तीसरा पॉइंट हमने जो अभी एंगल बढ़ाया है, एंगल और इम्प्रूव किया, तो देखते हैं कि गाड़ी के डायमेंशन में क्या फ़र्क आता है, मेरी ड्राइविंग में क्या फ़र्क आता है। जी जी, जुल्म की इंतहा देखोगे, हम नई मीम बनाएंगे। भैंस की टांग, ये जो खोते से मेरी गाड़ी ने मिलाई है, इनको मैं दिखाऊंगा मेरी गाड़ी करती क्या है। और एट बॉयज, अभी हम फिर अब जो बता रहा था एंगल की बात कर रहा था, तो एंगल हमने इम्प्रूव किया। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है हमारे ड्राइविंग स्टाइल में भी, क्या उससे फर्क पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ओमनी की तरफ, तो अभी ओमनी चलते हैं। ओमनी जाके आपको ओमनी की वाइब दिखाते हैं, आजकल मौसम अच्छा है, और देखते हैं कि हमें कितने सेशंस मिलते हैं, मौका मिलता है, ट्राई करते हैं। टायर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, टायर मिलते नहीं है। टायर अभी हमने ऑर्डर करने हैं यार दोबारा। हाँ उमेर, सही, टायर ऑर्डर करने हैं। तो भाई अभी बस ये है कि हमारी तैयारी, इंशाल्लाह जनवरी नहीं तो फरवरी हमने दोबारा ड्रिफ्ट डेज करने हैं लाहौर में जाके, और फर्दर जो भी सीन्स होंगे। अभी हम सोच रहे हैं व्लॉग्स के बारे में भी, कि हम दूसरी गाड़ियों का रिव्यूज़ भी करें और भी डेली रूटीन पे व्लॉग्स और इस तरह की चीज़ें करें। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमारे अभी बहुत थोड़े हैं और वॉच टाइम कम है। हम चाहते हैं वो बढ़े, इंक्रीज़ हो, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव करें और आप लोगों को गाड़ियों से रिलेटेड जो भी कॉन्टेंट है वो दिखाते रहें। बेसिकली हम ड्रिफ्ट कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयरली पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर कोई नहीं करना चाहता, कोई कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं, हमने करना है, हम कर रहे हैं। जो करना चाहते हैं उनके लिए अवेयरनेस यही देते हैं कि भाई इसको ट्रैक पर करें, रोड पर नहीं करें, और अवॉइड करें रोड पे करने से, ताकि दूसरों को भी महफूज रख सकें, अपने आप को भी। और जब ट्रैक है तो सब मिलके कम्युनिटी बना के ट्रैक को करें, अभी क्या मसला है। सो अभी इंशाल्लाह ओमनी चलते हैं आगे की भाई, ओमनी में दिखाते हैं आपको। और गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए ओमनी स्टार्टिंग सर्किट, गाड़ी हमारी आ चुकी है और आज बहुत रश है, बैक टू बैक सेशंस लगे हुए हैं, मुश्किल हमारा टाइम आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अकोमोडेट करेंगे वो बीच में। अभी बस गाड़ी ऑफ रोड कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और चेकिंग सारी चीज़ें चेक करके, सारे पैरामीटर चेक करके, तो हम रेडी होंगे, उनकी कॉल का वेट करेंगे। जैसे वो करेंगे, हमें सिग्नल देंगे, हम अपनी गाड़ी टेस्ट करेंगे।
गाड़ी पहले क्या हुआ, जब मैं स्टार्ट में गया तो गाड़ी मिसिंग कर रही थी थोड़ा, तो मैं मुझे लगा कुछ ना कुछ थ्रॉटल का प्रॉब्लम आ रहा है फ्यूल का, फिर मैं सोचा नहीं करता, फिर गाड़ी सेटल हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो रन्स किए वो तुम्हारे सामने, और उसके अलावा गाड़ी का एंगल पता है, आई डोंट नो तुमने देखा थ्रू करते, गाड़ी ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल थ्रू कर रही थी, मतलब समहाउ मुझे लग रहा था यार गाड़ी फुल रुक जाएगी या फुल 90 डिग्री आ गई गाड़ी, अब आगे वापस नहीं जाएगी, लेकिन गाड़ी पूरा परफॉर्म कर रही थी 90 डिग्री एंगल के साथ, मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि शॉर्ट टर्न्स हैं, शॉर्ट टर्न्स पे ऑलमोस्ट गाड़ी पूरी पूरी थ्रो हो रही थी, और मैं पूरे थ्रू आउट इस ट्रैक पे सेकंड थर्ड अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कंटिन्यूसली मैं कर रहा था। आई डोंट नो तुमने नोट किया नहीं किया, जहाँ बहुत स्मोक आ रहा था थोड़े लॉन्ग पैच में, वो गियर मैं अप शिफ्ट कर रहा था, अप शिफ्ट करने की वजह से फिर गाड़ी कुछ फ्लो में जा रही थी, ये था। और जो बर्न आउट एंड में मेरा टायर ख़त्म ही हो गया, तो एक बर्न आउट कर देते हैं, बर्न आउट आप लोग देखें। और एक गाइस, हम लोगों ने अभी ओमनी में ये सेटिंग की है कि 3 to 5 का स्लॉट जो है एवरी डे, 3 to 5 जब कार्टिंग स्टार्ट होती है 5 o'clock, 3 to 5 इस तरह का हमने सेटिंग की है ओमनी के साथ, के पर कार आपने पे करना है, उसके बाद आप आगे ट्रैक सेशंस करें, अनलिमिटेड 2 hours का टाइम होगा उसमें जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं ड्रिफ्ट कम्युनिटी के लिए ये चीज़ कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ आएँ और हम यहाँ के प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा ख्याल है अगर कोई ट्रैक, अगर कोई अपनी गाड़ी को टेस्ट भी करना चाहता है तो वो भी उस स्लॉट में हमारे साथ आ सकता है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और इंशाल्लाह हम लोग अभी इंशाल्लाह हमारा इरादा है नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ये करेंगे एक ड्रिफ्ट सेशन यहाँ पे, जो बॉयज़ हैं जो सीख रहे हैं वो सब आएंगे यहाँ पे हमारे साथ करेंगे, मिलके करेंगे, तो ऑब्वियसली लर्निंग सबकी इम्प्रूव होगी, तो इंशाल्लाह देखें जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ज्वाइन करें, हमें DM कर दें इंस्टाग्राम पे, हम उनको ज्वाइन करवा देंगे उस ग्रुप में इंशाल्लाह। तो फिर आगे के जो प्लान्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ेंगे। बट गाइस, अगर आप लोग अगर मिसाल चाहते हैं कि DM करें, मुझे करना चाहते हैं मुझे कर दें, या मैं ज़फ़र का लिंक दे रहा हूँ, ज़फ़र को DM करें, वो एक ग्रुप बनाया है उसमें ऐड कर लेगा आप लोगों का, और आप लोगों की गाड़ी की डिटेल्स भी ले लेगा, और जब जब हम ये सेशंस करेंगे तो आपको अपडेट रखेगा थ्रू हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल, जो हम अभी अनाउंस करने वाले हैं इंशाल्लाह सून। कैम्बर चेक करना नहीं, बट कैम्बर तो इनसाइड होता है ना हमारा। सो बट ये देखो टायर की पोजीशन ये है, ये हमने नीटो का टायर चेक किया था, और खैर अच्छा रहा 10 मिनट्स के सेशन में टायर, ब्रांड न्यू टायर का ये हाल हुआ है, वो शायद इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी की पावर बहुत ज़्यादा और मैं भी बहुत एग्रेसिव होता हूँ, और हमने थोड़ा सा एंटी लैग्स और बर्नआउट भी किया, बर्नआउट आपने देखा होगा जिसमें एंटी लैग्स भी ऑन थे और पीछे से फ्लेम्स भी आ रहे थे, विच इज़ वेरी गुड, मज़ा आता है कभी कभी कहीं जाएँ लोग देखते हैं लोगों को मज़ा आता है, तो इसलिए ऑन किया हुआ है। वैसे मुझे कोई इतना पर्सनली शौक नहीं है, पटाखों का अगर शौक हो तो हम भी एक से एक बना लेते सिर्फ करते, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ये बस ट्यूनर की मेहरबानी है, उसे हमने एंटी लैग्स भी डाल दिए, और हमारा खैर एनीवेज हमारा इंजन इतना कैपेबल है कि वो इस चीज़ को रिटेन कर सकता है, और लेकिन लोग जो दूसरी छोटी गाड़ियों में फायर किट्स लगा देते हैं, चीज़ें लगा देते हैं, वो इतनी मेरा नहीं ख्याल इतनी कैपेबल होती हैं, ऑब्वियसली ये इंजन इसके लिए बने ही नहीं हुए जिन पर वो लगा देते हैं। सो एनीवेज खैर
कहीं ना कहीं वो कट सेकंड राउंड में हम लोग गए हैं अभी और बस सीन ये हुआ है कि बस अभी मैंने अमान को बिठाया अंदर से कुछ फुटेज लेने थे, अमान को उतारने लगा हूँ तो नज़र पड़ी है हमारी उस पर टेम्परेचर पे एंड टेम्परेचर वॉज ऑन 110. कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी चेक किया तो पता चला पीछे फैंस बंद, पता नहीं क्या हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जो हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है. सो अभी बहरहाल हमने चेक किया है, हमने वो फ्यूजेज और रिलेज भी चेक किए हैं लेकिन वो समझ नहीं आया. अब बेहतर है गाड़ी टो ट्रक पे वापस लेके जा रहे हैं घर, कल सुबह आराम से सुकून से गाड़ी को चेक करेंगे. आज के लिए हमारा सेशन एंड हुआ, हमने गाड़ी का एंगल चेक कर लिया, गाड़ी डाइनो के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारा गियर रेशो भी अच्छा है अभी फ़िलहाल. ओमनी भी हम अब जब हम ऐसे गाड़ी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम दूसरा वाला डिफ भी लेके जाएंगे डिफरेंशियल, ताकि हम वहाँ पे लॉन्ग रेशो भी चेक कर सकें. अभी के लिए गाड़ी इज़ परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह. गाड़ी की नज़र उतर गई है, जो एकदम बंद हुए वो कल हम सही कर लेंगे इंशाल्लाह. अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें. जैसे कि हमने बोला अब हम एक ग्रुप बना रहे हैं, आप उसमें ज़फ़र को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. अभी के लिए इजाज़त, थैंक यू, गुड नाइट.